होम सोसाइटी का मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। गार्ड के साथ मारपीट और अभद्रता का ये वीडियो वायरल हो रहा है। शराब के नशे में लड़कियों ने गार्ड से मारपिटाई की। स्टिकर न होने पर गार्ड ने रोका। नशे में धुत तीन लड़कियों का हाई वोल्टेज ड्रामा। गार्ड को पहले गाली दी, फिर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने दो लड़कियों का चालान काटा, एक फरार है। नोएडा होम्स 121 सोसाइटी का ये मामला है। थाना फेस 3 इलाके का मामला। पुलिस ने गार्ड की शिकायत पर FIR दर्ज की है। देखिए, गार्ड के साथ मारपिटाई का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि फिर से ऐसा मामला सामने आया। मैं अजनारा होम सोसाइटी में कुछ महिलाओं द्वारा एक गार्ड के साथ अभद्रता की गई है। गार्ड की शिकायत पर एक NCR दर्ज करके उन महिलाओं के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करी गई है। थाना फेज 3 में देखिए तस्वीरें हैं। नशे में धुत तीन लड़कियां ड्राइवर के साथ में बदतमीजी कर रही हैं, गाली गलौज करती हैं, बदतमीजी करती हैं। देखिए किस तरीके से उसका गिरेबान पकड़कर उसके साथ बदतमीजी कर रही है लड़की। और निशांत शर्मा मेरे साथ है। निशांत, मामले को लेकर ज्यादा जानकारी आपसे चाहेंगे। पहले हमने गालीबाज महिला देखी और अब ये गालीबाज लड़कियां। देखिए पूजा, जिस तरीके से मामला सामने आया है, देर रात का ये मामला है। तीनों लड़कियां, हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया। ये तीनों लड़कियां शराब के नशे में थी। वहीं गार्ड ने जब कार के अंदर स्टिकर नहीं लगा होता है तो उसको रोका जाता है। तो जहां गाड़ी से तीनों लड़कियां उतरती हैं और बुरी तरीके से हंगामा करती हैं, आग बबूला हो जाती हैं और कहीं ना कहीं गालियों की बौछार कर देती हैं गार्डों के साथ। जिस तरीके से गार्ड मौके पर ही पुलिस को सूचना दे देते हैं, पुलिस की मौजूदगी में पूरी तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। वहां गार्ड के साथ अभद्रता की जाती है, गाली गलौज की जाती है, धक्का मुक्की की जाती है और जिसके बाद पुलिस को सूचना देने के बाद भी ये बेखौफ महिला जो है लगातार नशे की धुत में लगातार हंगामा करती रहती है। हालांकि इस पूरे मामले में सेक्टर फेस 3 की जो पुलिस है, थाना फेस 3 की जो पुलिस है, उसने संज्ञान लिया है। दो जो लड़कियां हैं उनके खिलाफ जो है आधुनिक कार्रवाई जो 151 के तहत कार्रवाई की गई है, लेकिन एक जो लड़की है वो अभी फरार बताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया, एक बड़ा ही सवाल उठ रहा है कि लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कि श्रीकांत त्यागी का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ। एक गालीबाज महिला थी, जो थप्पड़बाज महिला थी, जो एडवोकेट थी, उसके खिलाफ इस तरीके का मामला सामने आया। उसने भी गार्ड के साथ अभद्रता की, मारपीट की, थप्पड़ मारे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके जो मामले हैं वो लगातार आ रहे हैं। और एक हाईराइज सोसाइटी जो होम्स 121 सोसाइटी है उसका ये मामला है। हालांकि अब नोएडा पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस तरीके से मामले आ रहे हैं कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान है कि जो सुरक्षा कर्मी, जो सिक्योरिटी गार्ड है, उनके साथ ही इस तरीके की अभद्रता की जाएगी तो कहीं ना कहीं लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए ठीक है निशान, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। थाना फेज 3 में अजनारा होम सोसाइटी में कुछ महिलाओं द्वारा एक गार्ड के साथ अभद्रता की गई है। गार्ड की शिकायत पर एक NCR दर्ज करके उन महिलाओं के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करी गई है। थाना